नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपनी BMW के साइड मिरर को कैसे बाहर निकाल सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमको ये साइड व्यू मिरर निकालने के लिए हमको ये डोर पैनल निकालना पड़ेगा, यहाँ का ये ट्विटर निकालना पड़ेगा और ये ऊपर वाली ट्रिम निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो मिरर के तीन बोल्ट्स हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे तीन बोल्ट हैं। तो एक यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा जो कि बिल्कुल यहाँ नीचे है, इसलिए हमको ये डोर पैनल निकालना पड़ेगा क्योंकि हम उसको यहाँ से खोल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये डोर पैनल निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम ये ट्विटर निकालेंगे, उसके बाद हम ये नटों को बाहर निकाल सकते हैं। तो नीचे स्टूल या कुछ रख देना ताकि ये यहाँ पर लटके ना, और अब हमको यहाँ पर ये स्क्रू निकालना है। एंड अगर अब आपको साइड मिरर बदलना है तो अब आप उसको बदल सकते हो, बट मैं ये वाली ट्रिम को रैप कर रहा हूँ ऐसे ब्लैक, तो मेरे को ये उतारना पड़ा था क्योंकि ढंग से अगर करनी है तो यहाँ नीचे जगह नहीं होती। और रैप करते टाइम आप इसको भी उतार सकते हो ताकि ढंग से रैप हो जाए। तो मैंने इस ट्रिम को ग्लॉस ब्लैक में रैप कर दिया है, अब हम इस शीशे को वापस लगा सकते हैं। तो शीशे को लगाने के लिए सबसे पहले इसका कनेक्टर को कनेक्ट करो, और उसके बाद हम इस सारे स्क्रूज को वापस लगाएंगे, एंड उसके बाद हम इस डोर पैनल को वापस लगाएंगे। तो दोस्तों इतना आसान होता है BMW के साइड व्यू मिरर को बाहर निकालना और उसको वापस लगाना। तो आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।